स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे आपको एक फंक्शन गिवन है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स ठीक है मैं क्या कर रहा हूँ इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपके पास क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स जो है वो क्या है फंक्शन ऑफ एक्स है ठीक है अगर एफ डैश एक्स आपका डिफ्रेंशिएबल हुआ तो हम क्या कर सकते हैं इसका दोबारा डेरिवेटिव कर सकते हैं देखिए क्या बनेगा आपके पास इफ एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल वी मे डिफरेंशिएट वन अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन द लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स डी ओवर डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स विच इज कॉल्ड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड इज डिनोटेड बाई डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स is denoted by f double dash x. It is also denoted by d square y or y double dash or y two. If y is equal to f x. ठीक है आपके पास यहाँ पे क्या है y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो आप उसका क्या कर सकते हैं डबल डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं अगर आपका एफ एक्स और f dash x क्या है डिफ्रेंशियबल है ठीक है तो आपके पास डबल ऑर्डर डेरिवेटिव आप कैसे लिखोगे डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स लिखेंगे ठीक है सिमिलरली हम इसके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी फाइंड कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट अब देखिए एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर थर्टी एट फाइंड डी स्केयर वाई बाई डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर थ्री प्लस टेन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर थ्री प्लस टेन एक्स आपको गिवन है इसका हमने क्या निकालना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहे हैं वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर थ्री प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपके पास क्या बन जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर थ्री का डेरिवेटिव क्या आएगा थ्री एक्स केयर प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा सीकेंट स्केयर एक्स तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या थ्री एक्सकेयर प्लस सीकेंट स्केयर एक्स ठीक है अब आपके पास जो एफ डैश एक्स है एफ डैश एक्स क्या आपका थ्री एक्स स्केर प्लस सेकेंड स्केयर एक्स है यहाँ पे एक्स स्केयर भी आपका डिफरेंशियेबल है और सेकेंड स्केयर एक्स भी क्या है डिफरेंशियबल है ठीक है तो अब हम इसका डेरीवेटिव कर रहे हैं अगेन सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव निकाल लेंगे इसका डेरीवेटिव कर रहा विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स तो आपके पास क्या बन जाएगा डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इन टू थ्री एक्स स्केयर प्लस सेकेंड स्केयर एक्स ठीक है थ्री एक्स स्केयर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सिक्स एक्स जो आपका एक्स स्केयर है टू आगे आ गया जाएगा तो थ्री इंटू टू क्या बन जाएगा सिक्स इंटू एक्स प्लस सिकेंड स्केयर एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा अब टू आगे आएगा पहले टू ठीक है सिकेंड की एक पावर कम हो जाएगी टू इंटू सिकेंड एक्स तो सिकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स ठीक है तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया सिक्स एक्स प्लस टू इंटू सेकेंड स्केयर एक्स इंटू टेन एक्स नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इफ y इज इक्वल टू ए साइन x प्लस बी कोज एक्स देन प्रूव दैट डी स्केयर y ओवर डी एक्स स्केयर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो ठीक है वाई आपको गिवन है और आपने ये प्रूव करना है कि इसका सेकेंड और डायरेवेटिव प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा जीरो होगा ठीक है अब हम इसका सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डायरेवेटिव निकालते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा ए कोजैक्स माइनस बी साइन एक्स ये कैसे आया साइन एक्स का डायरीवेटिव क्या है कोज एक्स और कोजेक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया माइनस साइन एक्स तो डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया एक ओजेक्स माइनस बी साइन एक्स अब आपके पास जो एफ डैश एक्स है वो क्या है एक ओजेक्स माइनस बी साइन एक्स है ये आपका डिफ्रेंशिएबल फंक्शन है तो अब हम इसका क्या कर सकते हैं डेरीवेटिव करेंगे तो आपके पास डेरीवेटिव करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इन टू ए माइनस बी साइन एक्स ठीक है अब कोज एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कोज एक्स तो आपके पास क्या बन गया इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कोज एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस वाई यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा ए इंटू साइन एक्स प्लस बी कोज एक्स बन जाएगा तो वो उसकी वैल्यू क्या है वाई है तो इसलिए यहाँ पे क्या बन गया डी स्केयर वाई और वो डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई आ गया माइनस वाई को आप क्या कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ रहे हैं तो आपके पास क्या आ गया डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस वाई इज इक्वल टू क्या गया जीरो यही हमने प्रूव करना था नेक्स्ट एग्जांपल देखिए फोर्टी एग्जांपल इफ वाई इज इक्वल टू थ्री इंटू ई की पावर टू एक्स प्लस टू इंटू की पावर थ्री एक्स प्रूव दैट डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केर माइनस फाइव इंटू डी डी एक्स प्लस सिक्स इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो वाई आपको गिवन है और साथ में आपने ये इक्वेशन प्रूव करनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे डेरिवेटिव निकालेंगे वाई इज इक्वल तो टू थ्री इंटू ई की पावर टू एक्स प्लस टू इंटू ई की पावर थ्री एक्स है इसका डेरिवेटिव करा तो आपके पास क्या बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज एक। इक्वल टू सिक्स इंटू ई की पावर टू एक्स प्लस सिक्स एक। एक इंटू ई की पावर थ्री एक्स ये कैसे बना आपके पास थ्री इंटू ई की पावर टू एक्स था तो ई की पावर टू एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर टू एक्स इंटू जो आपके पास e की पावर आ रही है टू एक्स उसका डेरिवेटिव होगा टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है टू हो जाएगा तो थ्री इंटू टू कितना हो गया सिक्स सिमिलरली नेक्स्ट आपका आ जाएगा सिक्स इंटू ई की पावर थ्री एक्स तो ये आपका क्या बन गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सिक्स इंटू ई की पावर टू एक्स प्लस ई की पावर थ्री एक्स अब हम क्या कर रहे हैं इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो आपके पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा डी स्केर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू ट्वेल्व ई की पावर टू एक्स प्लस एटीन ई की पावर थ्री एक्स ये कैसे आया ई e की पावर टू एक्स का डेरिवेटिव ई e की पावर टू एक्स इंटू टू ठीक है और ई e की पावर थ्री एक्स का डेरिवेटिव ई e की पावर थ्री एक्स इंटू थ्री ठीक है तो सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ट्वेल्व इंटू ई की पावर टू एक्स प्लस एटीन इंटू ई की पावर थ्री एक्स आ जाएगा तो डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स केयर इज इक्वल टू कितना गया सिक्स इंटू टू ई की पावर टू एक्स प्लस थ्री इंटू ई की पावर थ्री एक्स ठीक है अब ये मैं क्या कर रहा हूँ वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ ठीक है वाई की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर की वैल्यू ठीक है जो आपके पास इक्वेशन गिवन है उसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास क्या इक्वेशन है डी स्केर वाई ओवर डी एक्स स्केयर माइनस फाइव इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस सिक्स वाई ठीक है यहाँ पे आपने वैल्यू डाली क्या आ जाएगी सिक्स इंटू टू इंटू ई की पावर थ्री एक्स प्लस थ्री इंटू ई की पावर थ्री एक्स माइनस थर्टी इंटू ई की पावर टू एक्स प्लस ई की पावर थ्री एक्स प्लस सिक्स इंटू थ्री इंटू ई की पावर टू एक्स प्लस टू इंटू ई की पावर थ्री एक्स इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है जीरो आ रही है यही हमने प्रूव करना था